हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पिंटू यादव और आज हमारे पास आ गया है महिंद्रा थार का रिमोट कंट्रोल वर्जन, जिसको अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने यूट्यूब पर अनबॉक्सिंग करके नहीं दिखाया। लेकिन हम इसकी अनबॉक्सिंग करके सबसे पहले आप लोगों को दिखा रहे हैं, इसलिए फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग ही नहीं बल्कि कुछ खास बातें भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बॉक्स को कर लेते हैं यहाँ से कट। ये देखिए, ये हमने कर लिया है इसको अनबॉक्स। तो सबसे पहले हम बॉक्स को खोलेंगे और देखते हैं इसके अंदर हमारे लिए क्या सरप्राइज है। तो ये है हमारी जेड ब्लैक महिंद्रा थार का बॉक्स। इसको हम दो कलर्स के अंदर खरीद सकते हैं, एक तो ब्लैक और एक ये रेड। लेकिन इसका जेड ब्लैक कलर मुझे एकदम जबरदस्त लगता है। तो आज हम बॉक्स के ऊपर की डिटेल बाद में जानेंगे, सबसे पहले हम अनबॉक्स करेंगे हमारी जेड ब्लैक थार। वाह यार, इसका लुक देखो आप, कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। इसकी डिजाइन की बात करें तो ये एकदम असली थार की तरह रग्ड और स्टाइलिश लग रही है। और इधर आप देख सकते हो इसके अंदर एक चार्जिंग केबल भी आती है और ये है इसका एक रिमोट कंट्रोल। इसको बॉक्स में कुछ इस तरीके से पैक किया हुआ आता है कि इसको चाहे आप उल्टा ही पटक दो, ये गिरती नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके देखो इधर ये एक स्क्रू सा लगा हुआ है, इसको सबसे पहले हमें खोलना पड़ता है। इसकी फिनिशिंग और डिटेलिंग बिल्कुल असली थार की तरह लग रही है मुझे। इसका ओवरऑल लुक देखकर तो एकदम गुंडे वाली सी फीलिंग आ जाती है। इसके फीचर्स के बाद हम बाद में करेंगे, इससे पहले नजर डाल लेते हैं इसके रिमोट कंट्रोल पर। इसके ये जो बटन हैं, इनकी क्वालिटी भी काफी ज्यादा बेस्ट है। और ये है इसके ऊपर एक एंटीना और ये रिमोट कंट्रोल आता है 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर। इसके पीछे की साइड यहाँ पर डलती है, इसके अंदर दो सेल। अभी आगे हम इसकी प्राइस की भी बात करेंगे और इसकी टेस्टिंग भी करके आप लोगों को दिखाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अब बात करते हैं इस थार के फीचर्स की। इस थार की सबसे खास बात ये है कि इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम भी आता है। जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो ये आप देख सकते हो इसके अंदर ये गाना चल पड़ा, मोड़ आया। और इसके आगे आगे दो हेडलाइट भी लगी हुई हैं, जो कि काफी ज्यादा क्लासिक हैं और इसके लुक को 10 गुना तक बढ़ा देती हैं। बात करें इसके टायर्स की तो इसके टायर्स के अलॉय हैं, वो भी आप देख सकते हो कितनी ज्यादा पावरफुल लग रही हैं। इसके अंदर आते हैं चार रबर के हाईएस्ट ग्रिप वाले टायर, जो कि इसकी क्वालिटी को काफी ज्यादा बेहतरीन बना देते हैं। इसका लुक है वो एकदम रियल थार की तरह ही है। इसके ऊपर आप देख सकते हो ये है इसका इंटीरियर और इसके ग्लास है वो भी देखो एकदम जेड ब्लैक है। और आगे आगे का ये बोनेट और पीछे का हिस्सा एकदम असली थार की तरह ही है। और इसके सामने का लुक तो यार काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, ये आप देख पा रहे होंगे एकदम अच्छी तरीके से। तो चलिए इसकी टेस्टिंग करके अब आप लोगों को दिखाते हैं। अगर आप भी एक रिमोट कंट्रोल कार खरीदने की सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से एक बार आप लोगों को यह जरूर ट्राई करनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो मैंने इसे 999 रुपए के अंदर ऑनलाइन अमेजन से खरीदा था। अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप इसे खरीद सकते हैं। इसके पार्ट टू के अंदर हम इसकी फुल टेस्टिंग करके आप लोगों को दिखाएंगे और उसके बैटरी बैकअप के बारे में, ऑफ रोडिंग टेस्टिंग के बारे में सब कुछ आप लोगों को एकदम डिटेल से बताएंगे। और ये थार आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना, क्योंकि मैं सभी का रिप्लाई देता हूँ और सभी के कमेंट भी पढ़ता हूँ। और हाँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं इसी तरीके की अनबॉक्सिंग वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।